तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज आप सब लोग वेलकम बैक टू द गेम वीडियो। तो गाइस, आज हम लोग दोबारा से फिर से खेलने फिर से नहीं खेलने वाले हैं न्यू गेम, रियल लाइफ गेम। ये देखो, आओ लगता है आप तुम्हें भी मारो। मैं ये लगा दिया, देखा, रियल लाइफ गेम से आने 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 डिंग डिंग जाना सी। बुलेट लगाने वाला एक्सपर्ट, बुलेट लगाने वाला एक्सपर्ट। तो फिर वो क्या हुआ, टूट गई बात। अरे कल तो लाया था, कल नहीं लाया था, फेब्रुवरी को मिला था, फेब्रुवरी 18 को। अगर तुम्हें भी मेरे बर्थडे को आना है तो मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करो रे, ज्वाइन करो मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर। फिर डिस्कॉर्ड में जाओ, सर्वर में करो और फिर डिस्कॉर्ड में जाओ, डिस्कॉर्ड डाउनलोड करो, एक ऐप है डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड डाउनलोड करो। फिर डिस्कॉर्ड में जाओ, डिस्कॉर्ड में सर्च करो सर्वर रियान गेमिंग जोन, रियान गेमिंग जोन मिल जाएगा और हम लोग चैटिंग कर सकते हैं। इस पर क्या बड़ी बात है, मैं तुम्हें सारे माइनक्राफ्ट प्रो जीट बताऊँगी क्योंकि मैं सबसे प्रो हूँ, ऐसे नहीं हूँ, टेक्निकल से हुई हूँ। तो हम लोग क्या बोल रहे थे, रुक। हाँ, तो एक हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग डेमो की सीरीज करने वाले, डेमो। तो डेमो ना सबसे खतरनाक गेम में से एक है, इन द वर्ल्ड सबसे खतरनाक गेम में से एक है डेमो। तो सबसे खतरनाक गेम जो होते हैं ना, तुम्हें पता है, टॉप वर्ल्ड वो है डेमो और बाकी सब। पर उनका जो डराते ना हमें ग्राफिक्स, वो सब होता है ना, वो सब सेम नहीं है, पर वैसा सब डराते ना हमें, हम लोग डर जाते हैं ना, वो सब सेम है। पर इसलिए वो सारे गेम सेम है, मतलब सेम मतलब ग्राफिक्स सेम नहीं होगी, ग्राफिक्स अलग अलग होती है, पर डराते हैं ना वो हमें, एलियन बीच में जाता है डेमो में। ये देखो, जैसे कि उतना स्कैरी होता है, पर वो सब सेम होते हैं, इतना सारा स्कैर सेम होते हैं, पता है ना, ये सब सेम होते। तो हम लोग आज चलो योगी करते हैं। आज का सवाल है पहला, What has, who has 10 rope that flies in the sky? क्या बोल सकते हैं, कौन सा सवाल है वो, 1,00,000 के लिए बताओ। Who has 10 rope that flies in the sky? बताओ। Kite. क्या kite है? हाँ, तो आप बताइए आप सवाल में। बताओ मुझे के बारे में भी बताना। छोड़ो, नीड फॉर स्पीड हीट ना एक गेम है जो PS4 में आता है, PC में आता है, या एक्सबॉक्स में आता है, Xbox 360 में नहीं आता। तो नीड फॉर स्पीड एक गेम है जिसमें हमने दिखा था नीड फॉर स्पीड हीट, उसमें रेसिंग हो सकते हैं, मिशंस होते हैं, डे बन सकते, नाइट बन सकते, रेस में पैसे जीत सकते, अपग्रेड कर सकते हैं टायर्स को सब। और दूसरा गेम क्या बोले, दूसरा गेम वो है कि GTA, तो आपको पता ही होगा, माइनक्राफ्ट पता होगा, टॉम ऑफ द रीडर, शैडो ऑफ द टॉम रीडर भी किसे भी हो सकता है, या PS4 या Xbox One में। तो वो ऐसा ही गेम है जिसमें एडवेंचर होता है, रेजिडेंट ईविल जैसे उसमें एडवेंचर अनचार्टेड जैसा होता है, और अनचार्टेड भी एक गेम है जो PS4 में होता है, PS3 में होता है, PC में होता है, Xbox One में नहीं होता, Xbox One में होता है, Uncharted 4, Uncharted 1, 2, 3 भी होता है, सब कंप्लीट गेम है। तो उसमें भी एडवेंचर होता है, वैसे ही शैडो ऑफ द टॉम्ब रेडर में होता है, उसमें हम लोग अपग्रेड नहीं कर सकते, पर ना बहुत मिशन होते हैं, ऑनलाइन खेल सकते हैं, मल्टीप्लेयर खेल सकते हैं, सिंगल प्लेयर खेल सकते हैं, जो अकेले, अगर मैंने स्टोरी मोड खेला तो 3-4 लोग आते हैं। और कौन सा गेम बताओ तुम्हें, ये बस और गेम्स है ना, डेमो तो मैंने बता दिया। डेमो में बस हम लोग ऐसे ढूंढते हैं
घर एक फेक होता है, वो से कुछ किया होता है, बाहर नहीं निकल सकते उसके, और उसमें से डायरेक्टली एलियन आकर डरा देते हैं। और रेजिडेंट ईविल के बीइंग हॉरर, वो एकदम गंदा ग्राफिक्स बहुत गंदे उसके, पर एक है वो ज़ॉम्बीज वाला है, उसमें से निकलना पड़ता है, पर हमको पता नहीं उसकी लैंग्वेज ना, बहुत मत लो यार, बहुत गंदी है, गंदी नहीं है लैंग्वेज, कुछ समझती ही नहीं, ऐसा लगता है वो लैंग्वेज रशियन लैंग्वेज, रशियन है क्या बोलते हैं, अफ्रीका वाली लैंग्वेज, जो ऐसे लगता है अफ्रीका वाली लैंग्वेज है, वो अफ्रीका वाली है। और कौन से गेम से मेरे पास रुकने सोचता हूँ, GTA माइनक्राफ्ट के बारे में अगर पता नहीं होगा बता देता हूँ, वो एक ब्लॉक टाइप गेम है, उसमें सब कुछ स्क्वायर जैसा होता है, ग्लास होते हैं, उसमें कुछ भी ले कर सकते हैं। सर्वाइवल वर्ल्ड में ना अगर हमने मोड लिया ना, तो ये जो होगी तो पे दिख रहा है ना, ये सब मैं वो सब सब कुछ वेट कर पाएगा, सेम और चाहिए पैसे चाहिए, और फर्नीचर भी लगा पाएगा, उसके लिए भी पैसे चाहिए, पर वो PS4 एक्सबॉक्स में नहीं हो सकता, कंसोल में नहीं हो सकता, वो PC में हो सकता है। तो और फिर माइनक्राफ्ट में क्रिएटिव बहुत अच्छा है, और उड़ सकते हैं, कुछ भी $1 से ले सकते हैं। और GTA का पता नहीं होगा सबको, सबको नहीं पता, GTA पता होगा तो मैं बता देता हूँ, GTA एक गेम है जिसमें कुछ भी कर सकते हैं, वो रियल लाइफ जैसे दिखता है, उसमें फ्रैंकलिन, ट्रेवर, माइकल और बहुत होते हैं, मुझे नहीं पता थोड़े से, और उसमें कुछ भी कर सकते हैं, ड्राइविंग कर सकते हैं, जंपिंग कर सकते हैं, स्टंट कर सकते हैं, अचीवमेंट अनलॉक कर सकते, अचीवमेंट अनलॉक नहीं, मर सकते हैं, पुलिस को बुलाते हैं, चीट्स हो सकते हैं, इनविजिबिलिटी हो सकते हैं, बहुत सारे चीट्स होते हैं, सारे चीट्स नहीं पता, अगर पुलिस की 5 स्टार आ गए ना, 0 स्टार एक चीट है, और अगर हमें 0 स्टार से 5 स्टार की तो फिर से एक चीट है, जंप बूस्ट की चीट है, रनिंग की चीट है, अगर एक गोली पिस्तौल के मारे कौन से जिससे मारा ना फूट जाएगी गाड़ी, लग जाएगा, अगर हमने पंच मारा गाड़ी को पंच वो फूट जाएगा, पुलिस को पंच मारा आग लग जाएगा, पूरा आग भी लगेगा, ऐसा गेम है वो, उसमें खून वून दिखते हैं बहुत। और हैप्पी व्हील्स एक गेम है जिसमें हमारा बहुत खून दिखता है, खेलने में बहुत बहुत वो सब है, अंदर का सब कुछ दिखता है, दिल दिखता है पूरा, वो सब सच में दिखता है, छोड़ो उसको, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। हाँ और कौन सा गेम बताऊँ मैं तुम्हें, हाँ एक गेम तो मैं भूल ही गया, फोर्टनाइट। फोर्टनाइट एक ऐसा गेम है जिसमें अपडेट्स आते रहते हैं, बहुत टाइम लगता है अपडेट्स होने के लिए, और फिर अच्छे अच्छे गन्स, पहले अपडेट में टैक्टिकल वर्जन हो सकते हैं, पर ये वाला अपडेट में रिवॉल्वर होते हैं, AK-47 मैसिव शॉटगन, प्राइमरी शॉटगन, वो सब होते हैं, एलिमिनेट करना होता है, विक्ट्री रॉयल कर सकते हैं, बहुत बिल्डिंग कर सकते हैं उसमें, बिल्डिंग बिल्डिंग मतलब बस एक वॉल बिल्ड कर सकते हैं, स्लैब ऐसे फ्लोर बिल्ड कर सकते हैं, एक पूरा फ्लोर नहीं, एक इतना 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 या ये चार नहीं दिख रहे उतना फ्लोर, स्टैर बिल्ड कर सकते हैं हम लोग, स्टैर मतलब फ्लोर मतलब, ये देखो ये तो मैं बॉक्स दिख रहे हैं, 4 बॉक्स, एक बॉक्स, ये दूसरा बॉक्स, ये तीसरा बॉक्स, ये चौथा बॉक्स, इतना बड़ा कर सकता है, ये स्टैर बना सकते हैं, स्टैर बना सकते हैं, और स्लैब, पर ऐसा मत सोचो एक ही बना सकते हैं, किधर भी बना, मतलब मैं जा रहा हूँ फुटनेट करके बिल्ड बहुत सारे जगह, स्टैर्स जंप कट कट कर सकते हैं, मतलब इसको ऐसे कट कर देगा, बिल्ड 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 कवर 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 बिल्ड 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 कितना भी कर सकते हैं, कितना भी बिल्ड कर सकते हैं उसमें, दे वॉल स्लैब स्टैर्स और ट्राइंगल वाला कुछ जैसा कितने भी बिल्ड कर सकते हैं, जितने हैं और फिर बॉम्बिंग का भी हो जाए, मतलब अगर जितने भी पर उसे ढूंढना पड़े, अगर हम लोग उसके ऊपर गए लॉन्चिंग ब्लो, मतलब हम लोग जमीन एक सीधे ऊपर आए, और मैं तुझे कैसे बताऊँ, मैं तुम्हें नया अपडेट अपडेट आते रहते फोर्टनाइट में, बहुत अपडेट होते हैं पर बहुत टाइम लगता है, थोड़ा पर वो होते भी है, मैं तेरे सारे सिस्टर को
दैट डिडंट फिट टू। उसमें क्या होता है, उसमें हमें अगर जाना होता है ना, घोड़े से भी जा सकते हैं या तो हम लोग ट्रेन से जा सकते हैं। ट्रेन को मारो, एनिमीज को मारो, ट्रेन से जाओ। उसमें गन्स भी होते हैं, शॉर्ट गन। उसमें से ऐसे पॉज एल2 दबा, कुछ तो एक बटन होता है उसमें ना, कैसे हम लोग एक बटन दबा सकते हैं, वो मैं भूल के कौन सा बटन है। तो वैसे दबाया ना, वैसे सब ऐसे ऑन स्क्रीन हो जाएगी ऐसे आते वक्त या ऐसे आते वक्त। और फिर उसमें वो इतनी स्लो हो जाएगी, अगर एम चाहिए तो बहुत दूर वाले, तो अगर हमने उसके 3 गोली शूट की उसके ऊपर, तो वो ऐसे फिर नॉर्मल हो जाता है, उसके ऊपर 3 गोली शूट हो जाएगी ऑटोमेटिकली हमने शूट किया था तो। और उसमें हमको घोड़े से जाना होता है दूर दूर, उसमें हमारे पीछे पीछे भी आते हैं, हम लोग ऐसे भी शूट कर सकते हैं। देखो घोड़ा गाड़ी घोड़ा जोड़, मतलब घोड़े भी जाएंगे और फिर शूट भी कर सकते हैं पीछे अगर कोई आ रहा है तो। उसमें व्हाइट हॉल भी होता है जो स्नो के ऊपर होता है, ब्रीड करने के लिए बहुत हार्ड होता है वो, ब्रीड करने के लिए। अगर घोड़ा मारेगा तो उसमें बनाना दिखता है, बनाना ट्रिप टाइप। उसमें अगर हम लोग मर गए तो फिर से रिस्पॉन्ड तो होते, और उसमें एनिमीज भी बना सकते, गुड फ्रेंड्स को एनिमीज बनाना। और कौन से गेम्स होते हैं रुक में, और कौन से गेम्स होते हैं, और कौन से गेम्स होते हैं। हाँ तो एक गेम हमारे विचार मुझे नहीं था, उसमें स्टोर कर सकते हैं चेस्ट में, ले सकते हैं पोशन बना के स्टोर करके, ऐसा कोई जैसा कर केमिकल बना सकते हैं। उसमें हमें जाना होता है ऐसे ही चल के भाग के, उसमें गंदे भी होते हैं, उससे गंदे नहीं होते, उसमें बस स्वॉर्ड्स होते हैं, चाकू होते हैं, वो सब होते हैं, स्वॉर्ड चाकू, स्वॉर्ड चाकू पिस्तौल, पिस्तौल ही गंदे, स्वॉर्ड चाकू पिस्तौल, स्वॉर्ड चाकू पिस्तौल, एक गंद भी होती पर इतनी नहीं होती, आरपीजी मिनीगन नहीं होती, नॉर्मल गंद होती है। एक बड़े सेवन हैवी ऑफल राइफल, ओपल राइफल, पिस्तौल, वो सब ऐसी गन होती है, मैगजीन वाली, सब मशीन गन, या फिर और बहुत गन होते हैं, मुझे याद नहीं। और फिर उसमें ऐसे जाना होता है, उसमें कुछ भी हो सकता है, उसमें किंग होते हैं, क्वीन होता है, ऊपर जा सकते हैं हम लोग, उसके लिए बहुत सारे ड्रैगन जेल के लिए बहुत सारे वो ढूंढने का ब्रीड करना। और कौन से गेम्स में बताओ, और कौन से गेम्स है। तो अभी जो आपको गेम बताने जाने वाला हूँ है नीड्स ड्राइव क्लब। ड्राइव क्लब में बस होती है रेसिंग, जो भी जाता है उसको पैसे मिलते हैं और रेसिंग करते ही रहना होता है उसमें। ऐसा गेम है, रेसिंग का गेम है, पैसे नहीं मिलते हैं, बस रेसिंग का गेम है, बस रेसिंग का गेम है, आपको आ जाएगा बहुत ही। और दूसरा गेम है जो मैं कब से बताने का ट्राई कर रहा था, वो है ड्राइव क्लब, डर्ट राइड, सॉरी डर्ट राइड। डर्ट राइड एक ऐसा गेम है, रेसिंग का बहुत खतरनाक गेम है, बहुत खतरनाक है वो। उसमें हम लोग कार अनलॉक कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, पर रेसिंग करना सबसे हार्ड है, हार्ड है बहुत, बहुत हार्ड है, बोले नहीं, इनसेन है वो तो। और कौन सा गेम ना, नीड फॉर स्पीड हीट बोला था मैंने, पर नीड फॉर स्पीड ट्रैवल्स नहीं। नीड फॉर स्पीड हीट में ये होता है कि पुलिस से हम लोग चोर नहीं बन, हम लोग चोर होते हैं पर हम लोग पुलिस नहीं बन सकते। और अगर हमें पुलिस हमारे पीछे चाहिए लाओ तो उसे बैड चेंज करो, और जहाँ पर रेड हमारा से एरो होगा वो पेपर प्लेन जैसा, तो एक छोटा सा रेड पेपर प्लेन दिखेगा हमें रेड कलर का, उसको अगर हमने क्रैश किया ना तो पुलिस हमारे पीछे पड़ जाएगी। और नीड फॉर स्पीड ट्रैवल्स, उसमें हम लोग पुलिस भी बन सकते हैं, चोर भी बन सकते हैं, गाड़ी अनलॉक कर सकते हैं, मर्सिडीज पुलिस कार, बुगाटी पुलिस कार, फरारी चोर की कार, ऐसे करके रेस कर सकते हैं। बारिश होती है, वेपन लगा सकते हैं हमारा, जो अगर ये हेल्थ कम होगी गाड़ी की तो हेल्थ हम लोग गाड़ी के लिए कर सकते हैं, पर हम लोग गाड़ी से उतर नहीं सकते हैं। नीड फॉर स्पीड ट्रैवल्स है, नीड फॉर स्पीड हीट में। और कौन से गेम्स है, मैं क्या बोलता हूँ, एक मिनट। हाँ, जस्ट कॉज 3, जस्ट कॉज 3 एक ऐसा गेम है जिसमें स्पाइडरमैन जैसा अटक किया ना तो वो वापस जाएगा, मैं वापस जूम कर नहीं जाऊँगा, पर ऐसे ऐसे वो। और उसमें हेलीकॉप्टर होते हैं, इसमें मिसाइल लॉन्चर होते हैं, मिनी गन होते हैं नीचे, पुलिस होते हैं, फाइटर प्लेन होते हैं उसमें, फाइटर प्लेन वगैरह होते हैं। और नीड फॉर स्पीड हीट में रैम्स होते हैं, और जस्ट कॉज 3 में ना ऐसा कुछ भी कर सकते हैं, रियल लाइफ गेम है, कुछ भी कर सकते हैं, बहुत मजा आते हैं। तुम खेल के देखो, इजी भी बहुत कंट्रोल है, उससे अटैक भी कर सकते हैं, गन से एनिमी थोड़े से ही होते हैं, टैंक वैंक अटैक करते हैं हमें, टैंक वो सब। और कौन से गेम से, एक मिनट। हाँ तो दूसरा एक लास्ट गेम है ये फीफा। फीफा एक गेम है जिसमें फुटबॉल है, उसमें बस ऐसे जाना होता है और उसमें बस किक करना होता है, पास टीममेट करना है, जिसको भी हम लोग बॉल पास करेंगे ना हम लोग वो बन जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है, हम लोग अगर एनिमी
जाएंगे तो हम लोग अनबी ही नहीं बन जाएंगे, हम लोग वही कैरेक्टर रहेंगे। और उससे अगर हमने बॉल छीना और पास किया और फिर दूसरे बंदे ने लिया तो हम लोग वो बंदा बन जाएगा जिसने बॉल लिया हमारे टीम मेट्स में। हाँ, अगर हमने किसी को भी हमारे टीम मेट्स में पास किया हम लोग वो बंदे बन जाएंगे। और अगर हमने किसी को भी एनिमी को पास किया हम लोग एनिमी नहीं बन जाएंगे। और फिर उसमें गोल्स तीन गोल्स की मैच तो चार तीन या चार गोल्स की मैच होती है, बीच में ब्रेक भी होता है, इसमें ब्रेक भी होता है। उसमें ना हम बॉल इतनी ऐसा रखते हैं इतनी सी स्क्रीन एकदम दूर मतलब जैसे कि इतना दूर होता है वो, उसमें से इतने छोटे छोटे कैरेक्टर, ये देखो उसमें से इतने छोटे छोटे कैरेक्टर होते हैं, इसलिए वो खेलना बहुत हार्ड है, बहुत मुश्किल है। तो ओए हाँ, तो आज के लिए बस इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो और मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो से। एनी मैनी हनी मू।